so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई सर, बातचीत करेंगे कि आज मस्का दिखाने वाले हैं कि नहीं, जानकारी देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। आज मस्का दिखाने वाले हो? सिरोही, गुजरी, अजमेरी की बकरियाँ हैं। सोजत की एक बकरी है। अच्छा, सिरोही बच्चे वाली। सिरोही, गुजरी, अजमेरी की बकरियाँ है और इसमें अंदर सोजत की बकरी भी है और प्रेगनेंट भी और बच्चे वाली भी है। तो आप में से किसी भाई को अगर चाहिए हो तो डायरेक्ट यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दीपक भाई, कोई पार्टी को माल चाहिए होता है, कोई कस्टमर को माल चाहिए होता है, तो ये लाइव माल खड़ा है अभी? अभी लाइव खड़ा है। अच्छा, लाइव खड़ा है ना। तो जैसे कि एक 19 बकरी लाइव खड़ी है जी। अच्छा अच्छा, 19 बकरी अभी लाइव खड़ी है। किसी भाई को तो चाहिए हो तो यहाँ मिल जाएगी। तो कोई नया फार्म स्टार्ट करता है, सारी बकरी देख लो, लंबी चौड़ी देख लो, बिल्कुल एकदम हाई टेन की बकरिया है, काश की लंबी चौड़ी बकरी है। मतलब कि कितने ब्याज की बकरी होगी? दूसरी ब्याज, पहले ब्याज की पटपट भी है अंदर। अच्छा अच्छा, सोजत की पट है, इस हाई टेन में पटे भी आती है? हाँ आती है ना। अच्छा अच्छा, तो ये काफी हाई टेन अच्छी बकरी है। तो ये कितना बॉडी वेट होगा इसका? बॉडी वेट जाएगा 70 पर। 70 केजी पार बॉडी वेट जाएगा इसका। और इसका दूध कितना निकलता होगा? 102 लीटर इसका दूध निकलता है। तो और अच्छी खासी हाइट लेंथ में बकरी है, जो सिरोही नस्ल की ओरिजिनल और सोजत की भी इसके अंदर एक बकरी है और एक बच्चे वाली बकरी है जो कि गुजरी नस्ल में देखने को मिल रही है। तो जैसे कि उसके दो बच्चे इधर। अच्छा, ये दो बच्चे इधर भी है। तो एक ये रहा और एक हो रहा। तो इसी टाइप की क्वालिटी की बकरियाँ, अच्छी अच्छी हाइट लेंथ की बकरियाँ, मतलब क्या रेट के हिसाब से मिल जाती है? 19,000 की पट्टी है। 19,000 की पट्टी के हिसाब से बकरियाँ मिलती है। तो ताकि किसी भाई को जानकारी और भी चाहिए होता है, जैसे कि किलो के हिसाब से कोई देते हो तो? नहीं, किलो के हिसाब से नहीं देते। किलो के हिसाब से नहीं देते, वजन से नहीं देते, सिर्फ पट्टी से देते हैं जी। ओनली फॉर आपको मिलेगी पट्टी के हिसाब से बकरियाँ मिलेगी। इसकी कम से कम 60 से 70 के जी बॉडी वेट पकड़ के चलो। इसका बॉडी वेट प्लस है, 70 केजी प्लस पकड़ के चलो। 70 किलो का, 70 केजी प्लस बकरिया है और 19,000 की पट्टी से बकरिया है। और कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा, डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा आपको? अच्छा अच्छा, तो जैसे कि कोई अगर चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके या शेयर करके आता है, उसके लिए है कुछ डिस्काउंट स्पेशल, दीपावली ऑफर? 100% हो जाएगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और अभी कोई दिवाली के कोई स्कीम है अवेलेबल? 50 बकरी लेके जाता है तो स्कीम है। अच्छा, 50 बकरी पे क्या स्कीम है? एक ब्रीडर फ्री मिल जाएगा आपको। एक ब्रीडर फ्री मिल जाएगा, वो तो ब्रीडर किस टाइप का होगा? 60-65 हज़ार का ब्रीडर होगा। अच्छा अच्छा, 60-65 हज़ार का ब्रीडर आता है जो कि 50 बकरी लेने पर एक बकरा फ्री दिया जाता है। ये दीपावली स्कीम है जो कि किसी भाई को अगर लाभ उठाना है तो इस टाइम के दौरान। ये कितने दिन तक वैलिड है? बस एक महीना। एक महीने तक ये स्कीम वैलिड है। किसी भाई को लाभ उठाना है तो हमारा चैनल का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, और हमारे फार्मिंग का नाम है एग्रो फार्मिंग ब्लॉग और श्री गोट फार्म, ये दोनों आपका बारकोड है। किसी भाई को अगर चाहिए हो तो ये दोनों नाम बता दीजिए, आपको डिस्काउंट उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसे कि दीपक भाई, किसी बकरे के लिए कोई जानकारी चाहता है, कोई बकरी फार्मिंग की जानकारी चाहता है, उसको बकरे का वो भी पता नहीं होता है, बकरा फार्मिंग स्टार्ट करता है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। फोन करिए, व्हाट्सएप पे आइए, सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी व्हाट्सएप पे सारी जानकारी मिल जाएगी? सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यानी कैसे बकरी फार्म करना चाहिए, बकरा फार्म करना है तो कैसे करें, सारी सारी जानकारी, ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी आपको। अगर फार्म पे आओगे तो मेडिसिन की भी जानकारी मिल जाएगी। अगर एक छोटी सी भाषा में अगर बोला जाए कि बकरी फार्म सही रहता है कि बकरा फार्म, अब कस्टमर क्या सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पहली तो बात। अच्छा अच्छा, और दूसरी चीज, सबसे अच्छा ब्रीडिंग सेटअप है। ब्रीडिंग सेटअप यानी बकरी फार्म, बकरी फार्म स्टार्ट करो, खुद का ब्रीडिंग सेटअप बनाओ, ये सबसे अच्छा बिजनेस। जो कि आपके सामने बकरियां है, ऐसी बकरियों का फार्मिंग करके इसका ऐसे प्रोडक्शन निकाल सकते हो, जो बच्चे अभी निकले हुए देखो, कितने महीने के बच्चे होंगे अभी? तो 7-8 दिन के बच्चे, 7-8 दिन के बच्चे हैं। तो 7-8 दिन के बच्चे हैं ये, और ऐसे प्रोडक्शन निकाल के आप अपना आगे ब्रीडिंग सेटअप बढ़ा सकते हो। ये दो बकरी आ गए तो इनकी दो बकरी और ऐड होगी गिनती में। तो अब एक मान लो, ये इसके कितने नंगल लोट है? ये 19 है, तो 19 है टोटल, 21 नंगल बकरी लोट हो गया। अभी बड़ी होगी तो और बच्चा दे भी देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर जो बकरा अगर निकलता है वो भी सेल आउट करे तो अगला को मुनाफा मिल ही जाएगा। हाँ, ये दोनों बच्चे और 5-6 महीने के बच्चे बेच देंगे तो पूरी बकरी फ्री हो जाएगी। और बकरी कब तक दूध पिलाती है? बकरी 5 महीने तक दूध पिलाती है, 4.5-5 महीने तक, 4.5-5 महीने तक दूध पिलाती है। और ये गले में टैग किस काम का है? ये ट्रेड रेलवे में जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो टैग है रेलवे की टिकट है, ये रेलवे की टिकट है, ये टैग है। तो रेलवे में माल भेजते हो?
बेचते नहीं है, कस्टमर ने भेजा हुआ है, कस्टमर ने टिकट। अच्छा, कस्टमर खुद आके उन्होंने टिकट करी है, सारी अरेंजमेंट कस्टमर आके करते हैं, अपना कोई अरेंजमेंट का काम नहीं, हमारा व्हीकल से जाता है, व्हीकल से जाता है। तो ऐसे टिकट भी होती है, तो किसी भाई को करवानी है तो अपने स्वयं अपने हिसाब से करवा ले, करवा सकता है, हम मदद करते हैं उसको। हाँ, मदद करते हैं, गाड़ी वहाँ तक पहुँचाने की जो भी सहायता रहती है, बाकी जो हेडेक है वो टिकट करवाने की, वो सारी वही करना पड़ेगा उनको, कस्टमर को करना। सही बात है। और जैसे कि इनको डॉक्टर सर्टिफिकेट भी वगैरह लगता है कुछ? हाँ, ट्रांसपोर्ट कराने मिल जाएगा डॉक्टर। अच्छा, और आपको चालू गाड़ी में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें कोई रजिस्टर नहीं? उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अमुक सीट पे रहती है बस, बाकी दूसरे। और लाइसेंस बिल तो चाहिए होता है? सारे सर्टिफाइड फॉर्म है अपना यार, GST सर्टिफाइड है, पैन नंबर है, सैन नंबर है, सारे उद्यम का नंबर है, सब सारे रजिस्टर्ड है, यानी पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो किसी भाई को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी ट्रांसपोर्ट में। अमरावती से आया था, उसने 3 दिन पहले 2,45,000 पेमेंट करा था, 2,10,000 का माल, 2,05,000 का माल। उसका अपने पास एक वीडियो है, उन्होंने जो बोला हुआ वो चीज हम लास्ट की क्लिप, जो भी भाई देख रहा है तो लास्ट एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो के अंत में उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, हल्का सा 30 सेकंड का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी की जो जानकारी पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप अपनी जानकारी से हम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चलो।